हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ऐसा तकरीबन देखा गया है, स्टूडेंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम देखेंगे कैसे हम कार्टेशियन सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है और इसको हैंडल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। सो वी ऑल नो अबाउट दिस सिस्टम। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। सेंटर को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। ऊपर हो गया वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव, राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस नेगेटिव। सो दिस इज अवर कार्टेशियन सिस्टम। इसके अंदर अगर मैं कोई पॉइंट बोलूं आपको, लोकेट कीजिए पॉइंट P2, 3। सो दिस मींस दैट हम एक्स एक्सिस पे 2 लेंथ लेंगे, दिस वन, एंड वाई एक्सिस पे 3। इनके कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस को इमेजिन करेंगे और जहां पर ये कट करेंगी दैट विल बी अवर पॉइंट 2, 3। सो पी एक्स कोमा वाई क्या हो गया? अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस। तो यानी कि अगर मुझे कोई पॉइंट लोकेट करना है पी एक्स कोमा वाई, तो वो एक्स एक्सिस पे एक्स दूरी पे हो जाएगा और वाई एक्सिस से वाई दूरी पे हो जाएगा। सो वी वर अवेयर अबाउट दिस कार्टेशियन सिस्टम। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस पी एक्स वाई पॉइंट को मैं ओरिजिन से मिला देता हूं एंड वी कॉल दिस लेंथ ओ पी आर। मैंने ओरिजिन और एक पी पॉइंट को मिला दिया और इस लेंथ को क्या नाम दिया? आर। अब मैंने एक और चीज़ नोटिस की, ये ओ पी जो है ये एक एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, जिसको मैंने नाम दिया थीटा। ये मैं कर सकता हूँ। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ओ पी एक्स। एक ये ट्राइंगल बना सकते हैं, दिस विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम इसमें पाइथागोरस की हेल्प से पी एक्स निकालें तो क्या होगा? कॉस थीटा विल बी व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, दैट विल बी एक्स अपॉन आर। सो यहां से एक्स क्या आ जाएगा? आर कॉस थीटा। ऐसे ही ये लेंथ देखिए क्या होगी, पी एक्स, दिस विल बी वाई, इसके इक्वल होगी ये लेंथ। साइन थीटा भी निकाल सकते हैं हम, साइन थीटा विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी वाई अपॉन आर। सो दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो मैंने देखा कैसे मैंने एक्स और वाई को आर और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। सो आई कैन से दैट पी एक्स वाई इज अनदर फंक्शन इन द फॉर्म आर एंड थीटा। अब देखिए इन दोनों को मैं स्क्वायर और ऐड करता हूं तो क्या मिलता है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। So this will be r square. So x square plus y square is equal to r square. हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। सो हमने क्या देखा अब तक कि मैं किसी पॉइंट को r और थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ by substituting x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. अब देखते हैं कार्टेशियन प्लेन से जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो पॉइंट दिखेगा कैसे। सो दिस इज अवर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
इसके अंदर जो सेंटर है जिसको हम कार्टिजियन सिस्टम में ओरिजिन बोलते हैं, उसको यहां पर बोला जाता है पोल. सो दिस विल बी नोन एज पोल. एक्स एंड वाई एक्सिस पर हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस विल रिप्रेजेंट थीटा इज इक्वल टू जीरो. ये एंगल देखिए क्या हो जाएगा, हमें एक्स एक्सिस से मेजर करना है. सो दिस विल बी लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री. सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऐसे ही मैं यहां से बढ़ूंगा, दिस विल बी व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसे ही यहां से यहां तक आ जाएंगे, थीटा इज 270 डिग्री. और जब ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा तो थीटा विल बी 360 डिग्री. 360 डिग्री को हम रेडियन में 2 पाई लिखेंगे, 90 को पाई बाय 2, 180 को पाई एंड 270 को 3 पाई बाय 2. सो ये तो हो गए मेरे एंगल्स. अब इस आर को कहाँ पर रिप्रेजेंट करें, मेरे पास फॉर्म क्या है, जो मेरा पी एक्स वाई है वो एफ आर और थीटा में है. अब देखिए आर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल मेक मार्किंग ऑन दिस एक्सेस. यहां पर हम बोल देंगे 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे ही 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. यहां पर लेफ्ट और राइट में भी 1, 2 होगा, -1 नहीं होगा, क्योंकि आर एक लेंथ है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगी. सो इट विल बी लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5 एंड हेयर ऑल्सो वी हैव पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है तो मैं उसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं आर कोमा थीटा की फॉर्म में. ये लेंथ हो जाएगी मेरी आर और ये एंगल हो जाएगा थीटा एंगल. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री, सपोज दिस आर इज 4, तो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग एफ 4 कोमा पाई बाय 4. इट मींस ये लेंथ जो है वो 4 है, यानी जब इसको थीटा इक्वल टू 0 पे लाऊंगा तो ये 4 पर टच करेगा एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री और पाई बाय 4. तो स्टूडेंट्स ये हुआ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब देखिए कभी हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशंस दिया होंगी और हमें उन्हें प्लॉट करना होगा. सपोज वी आर गिवन दैट आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा. अब मुझे ये प्लॉट करना है तो इसमें क्या करेंगे, हम थीटा की अलग अलग वैल्यू डाल के आर की वैल्यू निकालेंगे. सबसे पहले हमने डाला थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज 1, देन आर इज 2. फिर हम थीटा को कुछ और रखेंगे, से 30 डिग्री पाई बाय 6. 30 डिग्री पे कॉस क्या हो जाएगा, √3/2. सो वी विल हैव वैल्यू √3. ऐसे ही पाई बाय 4 पे निकाल सकता हूँ, इट विल बी 1/√2. सो वी विल हैव वैल्यू √2. ऐसे ही इसे पाई बाय 3 पे निकाल सकते हैं, देन आर विल बी व्हाट, 2 × 1/2, दैट इज 1. तो हमने देखा अलग अलग वैल्यू पे कैसे आर की अलग अलग वैल्यू आ रही है. एक नेचुरल क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि थीटा नेगेटिव होगा, कि कॉस थीटा जब नेगेटिव होगा 90 से ऊपर तब मेरा आर क्या होगा. उस कंडीशन में आर को हमें प्लॉट नहीं करना है क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती एंड आर इज माय लेंथ, सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो आप उस कंडीशन में कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे. सो लेट अस ट्राई टू प्लॉट दिस. सो वी हैव दिस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. 30, 60 एंड 45 भी प्लॉट कर लेते हैं. दिस इज जस्ट रफ फिगर. ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ये हो गया मेरा 45 डिग्री एंड दिस इज माय 60 डिग्री. सो स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 0 पे मेरा आर जो है वो 2 है. सो सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा, दिस वन आर इज 2 एट थीटा इज इक्वल टू 0.
थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, 30 डिग्री पे मेरा आर जो है वो रूट थ्री है. सो रूट थ्री इज 1.732, सो आर विल बी 1.732. तो आप मेजर करके यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये 1.732 आ रहा है, दिस इज 1.732, एंड एट पाई बाय 4 इट इज रूट टू, सो इट विल बी लाइक 1.414. सो यहाँ पे कहीं पे होगा आपका, एंड पाई बाय 3 इट इज 1, सो इट विल बी समवेयर हेयर, क्योंकि 1 तो ये लेंथ है तो इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा क्योंकि इंक्लिनेशन पर है ये. एंड एट पाई बाय 2 कॉस 90 इज 0, सो दिस विल बिकम 0, सो हमारा पॉइंट आ जाएगा दिस वन, आर इज 0. तो जब इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे सो दिस विल बी लाइक दिस, तो हमें एक ऐसी सर्कुलर फिगर मिल जाएगी. ये मैंने सिर्फ ऊपर वाला बना के दिखाया है, आप नीचे के एंगल्स लेके भी इसे प्लॉट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं जैसे ही मैं 90 के ऊपर जाऊंगा आर नेगेटिव हो जाएगा और वहां पर हमें प्लॉटिंग नहीं करनी है. प्लीज कीप दिस इन माइंड, आपको कभी भी आर नेगेटिव प्लॉट नहीं करना है. आर विल नेवर बी नेगेटिव बिकॉज आर इज लेंथ. सो कुछ और बेसिक सी प्लॉटिंग देखते हैं. सपोज आर इज अ कॉन्स्टेंट, आर इज इक्वल टू ए, वेर ए इज एनी कॉन्स्टेंट. सो ये क्या हो जाएगा, रिकॉल दैट आवर आर इज वॉट, आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस विल बी वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इसका मतलब एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर पोल होगा और रेडियस ए होगा. सो दिस विल बी सर्कल विद सेंटर पोल एंड रेडियस ए. सो जब भी आपको कॉन्स्टेंट मिले तो आपको प्लॉट करना बहुत आसान है. सो इट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी अवर ए. तो कॉन्स्टेंट प्लॉट करना इज द ईजीएस्ट थिंग. आर इक्वल टू 4 है तो 4 से पास होते हुए आप एक सर्कल बना दीजिएगा विथ सेंटर पोल. ऐसे ही देखिए, अगर आर कोई भी कॉस थीटा का मल्टीपल है, जैसे हमने यहां पर लिया था आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर 2 से पास करता हुआ सर्कल आ गया एक. ऐसे ही अगर आर इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा होगा तो 4 से पास करता हुआ एक सर्कल मिल जाएगा और पोल को टच करेगा. सो इट विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. सो कॉन्स्टेंट्स के आप सारे कर सकते हैं. ऐसे ही मैं साइन की बात करूं, आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, वंस अगेन इसके लिए हम टेबल बना लेंगे. सो थीटा को 0 रखूंगा, साइन 0 विल बी 0, इट विल बिकम आर विल बिकम 0. थीटा को पाई बाय 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा ए बाय 2. थीटा को पाई बाय 4 रखेंगे तो ए बाय रूट 2. थीटा को पाई बाय 3 रखेंगे, रूट 3 ए बाय 2. पाई बाय 2 रखेंगे, इट विल बिकम 1, इट विल बिकम ए. सो देखिए, जब इसका प्लॉटिंग करेंगे सो इट विल लुक लाइक दिस. ये पॉइंट होगा मेरा ए, थीटा 90 है तो ए आ गया, थीटा 0 है तो 0 है, तो आर मेरा 0 यहाँ पर है. सो दिस विल बी लाइक दिस. तो जब भी आपको आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा दे तो आप कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि आर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, यहाँ पर ए की जगह 2 आ जाएगा, एक सर्कल मिलेगा अपर हाफ में जो 2 से काटेगा और पोल से पास करेगा. ऐसे ही आप कुछ और टिपिकल फिगर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा. अलग अलग थीटा की वैल्यूज पे आर निकालिए और प्लॉट कीजिए. एक पॉइंट ध्यान रखिए, आर कभी नेगेटिव नहीं होगा. आई होप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ आ गया होगा. इसको हमने कहाँ से जनरेट किया, अपने कार्टेशियन सिस्टम से, एक्स और वाई को आर और थीटा में निकाल के. तो इसका मतलब
जब भी आपको कार्टीजन सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, आपको एक्स को आर कॉस थीटा पुट करना है, वाई को आर साइन थीटा, और हम देखेंगे आर स्क्वायर विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।